देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा नीति को लेकर प्रेजेंटेशन देखा। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश वासियों को अच्छी और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रदेश सरकार का हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराने की कोशिश है और इससे लोगों को आसानी से इलाज मिल पाएगा। उन्हें गंभीर रोगों के इलाज के लिए दूसरे जिलों का रुख नहीं करना होगा। प्रेजेंटेशन के दौरान प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने पीपीपी मॉडल के आधार पर मेडिकल कॉलेजेस के विकास के संबंध में प्रस्तावित मॉडल्स की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएम योगी को मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई और इस पर उन्होंने प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा नीति का पुनः आकलन करते हुए इसमें आवश्यक संशोधन कर जल्द ही सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के निर्देश दिए। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, अपर मुख्य सचिव वित्त एस राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। विशाल मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विशाल, क्योंकि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की लगातार कोशिश हो रही है और इसकी जरूरत क्या कुछ है ये हमने कोविड के इस काल में महसूस किया है। आने वाले वक्त के लिए जब थर्ड वेव की बात भी हो रही है, वैसे में एक बड़ी कोशिश है कि यूपी के हर जिले में अब मेडिकल कॉलेज खुलेगा। इस प्रेजेंटेशन में क्या कुछ खास रहा और सीएम ने क्या कुछ निर्देश दिया? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और इस बात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री चूंकि 30 तारीख को एक कार्यक्रम है उसमें भी वर्चुअल तरीके से जुड़ सकते हैं और मेडिकल कॉलेज को खोलने की जो तमाम तैयारियां हैं सरकार की उसको बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बहुत स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जाए। चूँकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोविड को लेकर सरकार के कार्य किए जा रहे हैं और उन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए लगातार अन्य राज्यों में भी यूपी मॉडल की तारीफ हो रही है, तो उन्हीं सब चीज़ों को बेहतर करने की कवायद के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और सीएम ने ये बहुत स्पष्ट कहा है कि तीसरी लहर को देखते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ जो हैं वो मुहैया कराई जा सकें मरीजों को, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और चूँकि लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, तमाम जो हॉस्पिटल्स हों या मेडिकल कॉलेजेस हों या तमाम जगहों पर जो फैसिलिटीज़ हों उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो उसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल प्रेजेंटेशन के दौरान बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तमाम जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को जो है बढ़ाएँ। इसके साथ साथ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी जो है सुनिश्चित की जाए ताकि जल्द से जल्द इन स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हो सके। बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए, यही कोशिश है।